वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, टूडे वी रीड चैप्टर 3 इन कंप्यूटर। चैप्टर 3 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आज हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन है, इसमें बहुत सारे ये कंपोनेंट्स दिए गए हैं जिनके बारे में आज हम नीचे डिटेल पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। टाइटल बार, इट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये ब्लू लाइन टॉप में आप देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट पे हम वर्क करते हैं, टाइटल बार उसका नेम यहाँ डिस्प्ले करता है। इट आल्सो कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन भी टाइटल बार में कंटेंट्स होते हैं। यहाँ आपको साइड में देखिए, ये लाइन सी बनी हुई है, इसे हम कहते हैं मिनिमाइज बटन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है वहाँ नीचे टास्क बार में आ जाती है। यहाँ आपको मैक्सिमाइज बटन है, और जब हम स्क्रीन को ओपन करेंगे तो हम मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है, स्क्रीन जो है वो मैक्सिमाइज बड़ी सी हो जाती है। यहाँ आपको क्लोज बटन दिया गया है, क्लोज बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है वो एग्जिट हो जाती है। क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो आपको टाइटल बार में ही आता है। यहाँ आपको क्विक एक्सेस टूल बार बना हुआ है। दिस हेल्प्स अस टू डू कॉमन टास्क विद जस्ट वन क्लिक। हमें अपनी फाइल सेव करनी है, हम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ हमारे क्विक एक्सेस टूल बार से भी हो सकता है। रिबन, द रिबन कंटेंस टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। इच टैब कंटेंस कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ आपको देखिए, ये हमारा रिबन हुआ, इसे हम कहते हैं रिबन। ये रिबन जो होता है वो टू पार्ट्स में होते हैं, एक होता है टैब्स और दूसरा होता है ग्रुप्स। यहाँ हमारे ऊपर में नाम दिए गए हैं, इसे हम कहेंगे टैब, और इसमें बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं हर एक में, जिसे हम कहेंगे ग्रुप। फाइल टैब, इट इज़ द ब्लू टैब लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 स्क्रीन। व्हेन यू क्लिक फाइल टैब, यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैक स्टेज व्यू शोज द सेट ऑफ कमांड्स यूज टू मैनेज द डॉक्यूमेंट लाइक क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड सो ऑन। फाइल टैब से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, सेविंग जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसे ओपन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया, इट इज़ ए लार्ज वाइट स्पेस टू टाइप द। ये हमारे स्क्रीन में जो एरिया है इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। कर्सर, द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया इज कॉल्ड द कर्सर। इट टेल्स द पोजिशन ऑफ द टाइप्ड। ये आपको डॉक्यूमेंट एरिया है, इसमें एक ये लाइन बनी हुई है जिसे हम कहते हैं कर्सर। इस कर्सर से हमारा जो टेक्स्ट है, जो हम टाइप करते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होता है। जहां हमारा कर्सर रहेगा वहीं से हमारा टेक्स्ट टाइप होगा। स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज द पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड जूम ऑप्शन। स्टेटस बार हमें ये डिस्प्ले करता है कि हमारा पेज नंबर कौन सा है, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, और हमारी फाइल, हमारी स्क्रीन छोटी है तो उसे जूम करने में हमारी हेल्प करता है रूलर्स। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द पेज मार्जिन, हाइट एंड विड्थ ऑफ द पेज। ये रूलर है, हमारे पेज की मार्जिन कितनी है होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इससे हम रूलर से सेट करते हैं हमारे पेज की मार्जिन। आज के लिए इतना ही। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से आप पढ़िए और समझिए। थैंक यू।